तो उसी बचपने को बरकरार रखने के लिए आज हम जा रहे हैं मेले में। डायनासोर पार्क अलग ही मजा है। मैं ये छतरी लिया ताकि हम वॉमिट से बच पाए। बचपन तो चला गया, लेकिन बचपने को बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी बचपने को बरकरार रखने के लिए आज हम जा रहे हैं मेले में, जो कि लगा है गुरुग्राम सेक्टर 5 में, और जो कि 19 मार्च 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। तो चलो मेरे साथ बचपने को बरकरार रखने, देखते हैं वहाँ पे क्या है। नो नो ₹20 पर हेड, और ये खुलता है सुबह 12 बजे और रात के 9 बजे तक। अब अंदर चल के देखते हैं। स्टार्टिंग इससे हो गई है ₹20 की एंट्री टिकट, और ये जो पीछे है सबसे छोटे वाला पीस 750 का बता रहे हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे। This one is for 300 rupees ticket है। मैं फिर से जा रही हूँ, मजे ले दे। डायनासोर पार्क अलग ही मजा है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, और बच्चे पीछे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या। ये डायनासोर क्या बोलते हैं, बहुत ही समझदार है, हेलो कर रहा है, डरा भी रहा है। जल्दी मिल जाए। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना भूत बंगले की, मुझे बहुत डराती है, और खाना इतना टेस्टी नहीं है, बट ठीक है, और थोड़ा एक्सपेंसिव ही है लास्ट वाले मेले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। और आइटम भी थोड़े महंगे ही हैं, क्योंकि मेले में होते ही हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बंजी जंपिंग, ₹30 में अंदर छोड़ दो, अपना खेलते रहेंगे और कोई टेंशन नहीं। ये बड़े वाले झूले में किसी ने ऊपर से वॉमिट करी और पूरा ऐसे फैल गया।
छतरी ली है ताकि हम वॉमिट से बच पाए। तो यही वो झूला है जिसमें अभी अभी किसी ने वॉमिट करी है और हम भी इसी झूले में जा रहे हैं। आई विश हमें वॉमिट ना आए। तो बहुत अच्छा, कितना खतरनाक है। खतरनाक है नहीं है, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है। आपको मजा आ रहा है? बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जायंट व्हील था और भूत बंगला भी था जिसमें मैंने गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसका टाइमिंग जो था मॉर्निंग 12 से रात को 10 बजे तक दे रखा है, बट हम लोग वहाँ पे 11 बजे के भी बाद निकले हैं और फिर भी बहुत भीड़ थी। अभी भी लोग आ रहे थे तो मतलब वो 11 बजे के बाद भी है। और डेज हैं इसके 10th अप्रैल तक, तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ जाएँ और बताएँ आप लोगों को कैसा लगा। बाकी रेट्स
ओके ओके थे ना, बहुत ज़्यादा थे और ना बहुत कम थे, और वहाँ पे काफ़ी सारा सामान था खरीदने के लिए, और हमने तो बहुत मज़े किए हैं। आप भी जाना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मज़ा आया या नहीं।